हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल बुक में। तो आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं भारत स्किल क्वेश्चन बैंक के बारे में, जो बना है ड्राफ्ट में सील ट्रेड के लिए। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके अपकमिंग जो एग्जाम्स है आईटीआई के, उनमें जरूर आएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इस सेशन को पूरा देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना करें और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाए। सो मेरा नाम है सचिन सैनी और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्किल बुक को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो ये सेशन नंबर 4 है और इस सेशन में भी हम पहले की तरह ही 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 3 सेशन मैं कंडक्ट कर चुका हूँ, आप उनको भी देख सकते हो। जो पिछले 60 क्वेश्चन है उनको आप हमारे जो 3 वीडियोज हैं उनमें देख सकते हो। तो आज के सेशन में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू नो द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जो जो लाइम होती है उसकी क्लासिफिकेशन जानने के लिए कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास बोल टेस्ट, विजुअल टेस्ट, इम्प्योरिटी टेस्ट या वर्केबिलिटी टेस्ट। तो 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप जो लाइव चैट बॉक्स है उसके अंदर अपना आंसर दे सकते हो कि क्या इसका राइट आंसर आएगा, ताकि आप ज्यादा जल्दी से सीख पाओ चीजों को। So, जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बोल टेस्ट, ठीक है। राइट आंसर इज बोल टेस्ट। आप इनको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में ताकि आप चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रख पाओ, ठीक है। बोल टेस्ट में क्या होता है, स्टिफ मिक्सचर के द्वारा, ठीक है, यूजिंग दी स्टिफ मशीन मिक्सचर, स्टिफ मिक्सचर के द्वारा 40 mm की छोटी छोटी बोल बना ली जाती है। किसकी, लाइन की बोल बना ली जाती है, ठीक है। आप समझ रहे हो, बोल आपने क्रिकेट देखा होगा, वो छोटी छोटी बॉल होती है, ठीक है, उस तरह की 40 mm डाया की क्या कर ली जाती है, बॉल बना ली जाती है, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, 6 घंटे तक वैसे ही बना के छोड़ दिया जाता है, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। मतलब क्या लिखा गया है, द बॉल्स आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर 6 आवर, यानी कि 40 mm की बॉल बनाई और उनको वैसे ही रख दिया 6 घंटे तक, उनको सुखाने के लिए या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, जस्ट फॉर सोकिंग पर्पज, ठीक है। उसके बाद उस 6 घंटे बीत जाने के बाद, उनको सूख जाने के बाद क्या किया जाता है, उनको वाटर बेसिन में मिलाया जाता है, ठीक है। अगर बॉल क्या करती है, एक्सपेंड करती है और डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है, एक्सपेंड मतलब फैल जाती है, ठीक है, किसके अंदर, पानी के अंदर जाने के बाद, वाटर बेसिन में जाने के बाद, अगर 1 मिनट के अंदर ही वो क्या होती है, एक्सपेंड कर जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो मान लिया जाता है कि उस लाइम के अंदर जो क्लास सी लाइम है वो मौजूद है, ठीक है। नहीं समझे, मैं समझाता हूं। पहले क्या करते हैं, सिंपल, जस्ट अ सेकंड, एक बॉल बना ली जाती है 40 mm की, ठीक है, 40 mm कह सकते हैं हम, या फिर 4 cm, 40 mm की क्या बना ली जाती है, छोटी सी एक लाइम की बॉल बना ली जाती है। उसके बाद क्या करेंगे, बॉल बनाने के बाद उसको 6 घंटे तक सूखने के लिए, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, 6 hours, ठीक है, ये याद रखना। और उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद ये जो बॉल्स हैं उन बनाया गया है, उनको क्या करेंगे, वाटर बेसिन में मिलाया जाएगा। अब पानी के अंदर जाने के बाद, ये आपका वाटर बेसिन है, ठीक है, अब इसके अंदर बॉल्स को जाने के बाद, अगर विद इन ए मिनट, ठीक है, विद इन ए मिनट, विद इन ए मिनट अगर वो बॉल एक्सपेंड कर जाती है और डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो मान लिया जाता है कि उसके अंदर क्या है, क्लास सी लाइम है, ठीक है। क्लास सी लाइम कौन सा था, फैट लाइम, ठीक है, जिसको हम चिनाई वगैरह में यूज नहीं कर सकते, तो फैट लाइम की मात्रा उसके अंदर मौजूद है, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम क्लासिफिकेशन जो होती है लाइम की, उसको जांचने में सक्षम होते हैं। क्या पूछा गया है हमसे, विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू नो द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम, कि ये जो लाइम है वो कौन से वाला है, क्लासिफिकेशन कौन सी है उसकी, वो जानने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, अगर जो वो बॉल है विद इन ए मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर ही डिसइंटीग्रेट हो जाती है, एक्सपेंड कर जाती है, तो वो क्या होगा, वो क्लास सी लाइम उसमें पाया जाएगा। ये इससे आपको क्लासिफिकेशन आपकी पता चल जाएगी कौन सा आपका लाइम, ठीक है। वैसे आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा टेस्ट किया जाता है लाइम के लिए, ठीक है, सीमेंट में कौन सा टेस्ट होता है, तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है, कंक्रीट के लिए टेस्ट पूछ ली जाती है, लेकिन इतना ज्यादा डीप में आपको इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आईटीआई लेवल पे इतना ज्यादा आपको नहीं बताया जाता। फॉर जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस मैंने आपको ये सब चीजें बताई, ठीक है। आपने सिंपल याद रखना है कि जो क्लासिफिकेशन होती है लाइम की, उसको जांचने के लिए, उसको
क्लासिफिकेशन देखने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, बोल्ड टेस्ट किया जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 62, विच इज द टेस्ट डन यूजिंग विकेट अपैरेटस। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपको बताया भी गया होगा, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए जितने भी एग्जाम्स है एक क्वेश्चन तो जरूर आते हैं इनमें से रिलेटेड, ठीक है। कौन सा टेस्ट किया जाता है विकेट अपैरेटस के यूज करके, ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास, फाइनेस टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, साउंडर टेस्ट या टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। 10 सेकंड का टाइम आपके पास, लाइव चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। सो जिसका राइट आंसर आएगा वो आएगा साउंडनेस टेस्ट, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट किया जाता है किससे, विकेट अपैरेटस की मदद से, ठीक है। ज्यादा प्रोसेस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट हमसे पूछा गया कि विकेट अपैरेटस यूज करके कौन सा टेस्ट किया जाता है, वो साउंडनेस टेस्ट किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द परसेंटेज जिप्सम एडेड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब सीमेंट को बनाया जाता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम कितना परसेंट जिप्सम हम उसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, उसके अंदर कितना परसेंट हम जिप्सम मिलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि मान लो अब कोई चीज हम बना रहे हैं, मान लो हम कुछ खाना बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, आटा ले लिया, उसके बाद हम पानी डालेंगे उसमें, ठीक है, तो वो कितनी परसेंटेज रहती है, कुछ रेशो रहता है ना, जो खाना बनाते हैं उनको तो पता होगा कि कितना परसेंटेज उसमें पानी ऐड करना है, कितनी रेशो रहती है। तो उसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि जो सीमेंट है उसके अंदर उसको बनाते टाइम कितना परसेंट हम जिप्सम को उसमें डालते हैं, ऐड करते हैं। ऑप्शंस आपके पास, 7-10%, 5-7%, 3-4% या 1-2%। 10 सेकंड है आपके पास, लाइव चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। सो जिसका राइट आंसर आएगा वो आएगा 3-4%, ठीक है। अब एक चीज ये आप समझिए कि जो आपकी अलग अलग बुक्स हैं, ठीक है, नीमे की बुक हो या भले कोई वो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक हो, ठीक है, या फिर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको जो रिजल्ट्स हैं वो एक से ज्यादा मिल सकते हैं। कहीं पे 3-4% लिखा हुआ है, कोई कोई कहता है कि 4-5% होगा, कोई 3.5-4.5 कहेगा, तो जो बुक्स हैं उनके हिसाब से अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो आपका आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, आपने 3-4% इसको सिलेक्ट करना, ठीक है, 3-4% आपका जो जिप्सम है वो ऐड किया जाता है किसमें, सीमेंट के अंदर। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 64, विच सीमेंट इज मोर सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल प्लांट एंड फर्नेस। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी सीमेंट है जो केमिकल प्लांट और फर्नेस के कंस्ट्रक्शन में काम आती है, ठीक है, काम आती है मतलब सूटेबल है उनके लिए। तो आपको पता है बहुत सारी सीमेंट होती है अलग अलग, उनके अलग अलग पर्पस होते हैं और अलग अलग चीजों के लिए वो यूज की जाती है। तो वही आपसे पूछा गया है कि केमिकल प्लांट और फर्नेस को बनाने के लिए, उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन से सीमेंट ज्यादा सूटेबल है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास, एक्सपेंडिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो 10 सेकंड आपके पास, लाइव चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा हाई एल्यूमिना सीमेंट। लेकिन जो एक्सपेंडिंग सीमेंट है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है या फिर हाइड्रोफोबिक सीमेंट है, इनका यूज कहाँ होगा, तो हम चारों के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपेंडिंग सीमेंट, दिस सीमेंट एक्सपेंड एज इट सेट। ये क्या होती है, जब ये जो सीमेंट है एक्सपेंडिंग सीमेंट है, जब ये सेट होती है धीरे धीरे, ठीक है, वो क्या करती है, धीरे धीरे सेट होती है, एक्सपेंड करती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपकी जैसे मान लो कोई क्रैक आ गया आपकी वॉल के अंदर, किसी स्ट्रक्चर के अंदर कोई क्रैक आ गया, उसको फिल करने के लिए इस सीमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। मेन पर्पस जो है आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिंग सीमेंट का जो मेन पर्पस है वो क्या है, जो क्रैक्स है उनको फिल करने के लिए, जो बॉयड्स है उनको भरने के लिए क्या किया जाता है, एक्सपेंडिंग सीमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। और जो मेन सीमेंट होता है वो पोजोलाना सीमेंट होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक्सपेंडिंग सीमेंट क्या करती है, क्रैक्स को फिल करती है, इसी के लिए यूज किया जाता है। सेकंड, हाई एल्यूमिना सीमेंट, जो इसका राइट आंसर था, किसके लिए यूज की जाती है, ऐसे जहां पे
सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, ठीक है, मेरिन कंस्ट्रक्शन हो गए, ठीक है, इनके लिए यूज की जाती है, जिसमें एलुमिना की मात्रा ज्यादा हो, हाई एलुमिना हो जिसके अंदर, उसको कहाँ यूज किया जाता है, रिफैक्ट्री प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है, कहाँ, सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, जहाँ पर गैसेज ज्यादा होती है ना, मतलब जो सीवरेज होते हैं उनके अंदर काफी गैसेज होती है आपको पता है, तो उनके लिए इसका यूज किया जाता है, उनको बनाने के लिए। या फिर मान लो जैसे भट्टे हो गए, ठीक है, चिमनी वगैरह हो गई, जिसमें क्या हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, ठीक है, वहां भी इनका यूज किया जाता है हाई एलुमिना सीमेंट का, उससे क्या होता है, जो आपकी सीमेंट है वो ज्यादा क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है एलुमिना की वजह से, तो इसीलिए इनका यूज किया जाता है। बात करें नेक्स्ट की, वो कौन सा था, एक्स्ट्रा हार्डनिंग रैपिड सीमेंट। अब इसका यूज क्यों किया जाता है, ए पोर्टलैंड सीमेंट कंटेनिंग कैल्शियम एलुमिनेट टू गिव रैपिड हार्डनिंग। इससे क्या होता है भाई, मान लो जैसे कोई रिपेयर वर्क करना है आपने, ठीक है, जैसे मेन होल्स वगैरह हो गए, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे पानी वगैरह हो, ठीक है, जिसमें हमें चाहिए कि 5 मिनट के अंदर ही सीमेंट सेट हो जाए, जैसे ही हमने लगाया वो सीमेंट जल्दी से क्या हो जाए, सेट हो जाए, ज्यादा वेट ना करना पड़े, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा हार्डनिंग रैपिड सीमेंट का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो थी हाइड्रोफोबिक सीमेंट, अब ये कहाँ पे यूज की जाती है, जैसे पार्किंग स्ट्रक्चर हो गया, ग्रीन रूफ हो गई, ठीक है, या फिर आपके जो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन हो गए, ठीक है, आपने अंडर वाटर देखा होगा ना, जैसे आप ये फोटो देख पा रहे हो बैकग्राउंड के अंदर, जो आपके डैम बने होते हैं उनके अंदर भी यूज करने के लिए हाइड्रोफोबिक सीमेंट का यूज किया जाता है, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करने के लिए हाइड्रोफोबिक सीमेंट का हम यूज करेंगे, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट वाटर प्रूफर फॉर द वाटर टैंक इन पेस्ट फॉर्म। आपसे पूछा गया कि जो प्रोपोर्शन है वाटर सीमेंट प्रूफर्स का, किससे, किसके लिए, वाटर टैंक्स के लिए, इन पेस्ट फॉर्म के अंदर कितना प्रोपोर्शन रहता है, वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके पास 1:10, 11:15, 16:20 या 21:25। 10 सेकंड टाइम आपके पास, लाइव चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। जिसका राइट आंसर आएगा वो आएगा 1:10%। जस्ट सिंपली आप इनको जो नंबर्स है उनको याद रख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोपोर्शन क्या होती है वाटर सीमेंट वाटर प्रूफर्स की वाटर टैंक्स के लिए पेस्ट फॉर्म में, तो वो होती है 1:10%। ओके, कुछ कहते हैं कि 7-9% भी होती है, लेकिन अगर मान लो आपसे पूछा जाए, ऑप्शन दिया गया 1:10%, तो आप उसी को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि इस रेंज के अंदर आप, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम 1:10 इसको सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अबटमेंट एंड फायर्स। अब आपसे पूछा गया है, मैंने कहा था ना अलग अलग सीमेंट होती है, अलग अलग यूज होते हैं, अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि जो अबटमेंट और फायर्स होते हैं, ठीक है, उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन से सीमेंट ज्यादा सुटेबल है। ऑप्शन आपके पास, हाई एलुमिना सीमेंट, अभी मैंने आपको बताया था किसके लिए यूज की जाती है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये भी बताया था, मॉडिफाइड पोर्टलैंड सीमेंट, या फिर सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। 10 सेकंड आपके पास, लाइव चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। ओके, तो देखिए इसका क्या राइट आंसर आएगा, मॉडिफाइड पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, जो हमारे अबटमेंट हो गए, ठीक है, फायर्स हो गए, उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, मॉडिफाइड पोर्टलैंड सीमेंट का यूज किया जाता है। और एक मैं करेक्शन करना चाहूंगा, मैंने कह दिया था कि पोर्सलोना सीमेंट मेन होती है, नहीं सॉरी, वो पोर्टलैंड सीमेंट होती है, ठीक है। सो मॉडिफाइड पोर्टलैंड सीमेंट आपकी यहाँ पे यूज की जाएगी अबटमेंट और फायर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए, ये आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 67, What is the name of the part labeled Ajax? अब ये जो आपकी फोटो है इसके अंदर, ये देखो, ये जो पार्ट आपको दिखाया गया, आपसे पूछा गया है कि इसका नाम क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी आएंगे, ठीक है, तो आपने याद रखना इन चीजों को, जो पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे आपके बिल्डिंग के पार्ट्स हो गए, या फिर किसी वुडन स्ट्रक्चर के पार्ट हो गए, तो ये चीजें आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है कि जो एक्स पे मार्क किया गया है, ये कौन सा पार्ट है। ऑप्शंस आपके पास, पिट, बेस्ट, सैप वुड और हार्ड वुड। तो 10 सेकंड आपके पास, रिप्लाई कीजिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा ये। तो ओके,
तो जिसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, पिथ आएगा, ठीक है। जो सबसे जो इनर पार्ट होता है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर का वो क्या होता है, पिथ होता है, वो आपको क्या होगा, पिथ होगा। उसके बाद क्या आएगा, हार्डवुड आ गया, कैम्बियम लेयर आ गई, सैपवुड आ गया, और उसके बाद जो लास्ट में जो ऊपर वाली परत होती है उसको क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं, ठीक है। पिथ, हार्डवुड, सैपवुड, कैम्बियम लेयर एंड देन उसके बाद बार्क। तो ये चीजें आपने याद रखनी, आप नोट कर लीजिए इनको या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द नेम ऑफ फोम लेबल्ड एज एक्स इन ब्रिक मेसनरी। अब ये जो ब्रिक मेसनरी है उसके अंदर जो एक्स के तौर पे जो पार्ट दिखाया गया है यानी ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके पास, हेडर, क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर या क्वीन स्ट्रेचर। तो 10 सेकंड आपके पास, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बताया जाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा, यानी कि क्वीन क्लोजर, ठीक है। हाफ, एक फुल ब्रिक है उसको हाफ डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्वीन क्लोजर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको फिर से डिवाइड करेंगे तो वो क्वीन क्लोजर क्वार्टर बन जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कभी गलत नहीं करने हैं, इन्हीं में आपके मार्क्स अच्छे बनने वाले हैं, ठीक है। तो क्वीन क्लोजर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, Which type of paint is applied for iron work under water? ठीक है, कौन सा ऐसा पेंट है जो किसके लिए अप्लाई किया जाता है, आयरन वर्क के लिए, ठीक है, अंडर वाटर आयरन वर्क जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन आपके पास, एस्बेस्टस पेंट, सेलुलोज पेंट, एल्युमिनियम पेंट या बिटुमिनस पेंट। तो 10 सेकंड है आपके पास, लाइव चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। So, जो इसका राइट आंसर आएगा वो बिटुमिनस पेंट आ जाएगा, ठीक है। बिटुमिन की क्या की जाती है, कोटिंग कर दी जाती है, उसका एक लेप लगा दी जाता है, किसमें, आयरन वर्क के अंदर। बिटुमिन क्या होता है, एक वाटर प्रूफिंग होता है, ठीक है, उसमें वो वाटर प्रूफ होता है तो उसको हम अंडर वाटर भी यूज कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बिटुमिन पेंट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टोन जॉइंट, ठीक है, वट इज द नेम ऑफ स्टोन जॉइंट, यानी जो फोटो के अंदर दर्शाया गया है उस स्टोन जॉइंट का नेम क्या है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि जॉइंट आपके आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए, बिल्कुल आसान आसान होते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपसे बताना, ये वाला जो है जो फोटो दिखाई गई है, इस जो स्टोन जॉइंट का क्या नेम है। आपके पास ऑप्शन है, लिप जॉइंट, बट जॉइंट, टेबल जॉइंट, टंग एंड ग्रूव जॉइंट। तो 10 सेकंड है आपके पास, आप लाइव चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। जिसका राइट आंसर आएगा वो आपका आएगा टेबल जॉइंट, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, टेबल जॉइंट हो जाएगा। अगर मान लो ये जो आपका जॉइंट है वो कुछ इस तरह से होता ऐसे, तो वो क्या बन जाता, लेप जॉइंट बन जाता, ठीक है। जहां पे ये जो एक फर्स्ट स्टोन है उसको सेकंड स्टोन के अंदर क्या कर दिया जाए, गाड़ दिया जाए, ठीक है। इसके अंदर कुछ इस तरह का हिस्सा उसमें लगा दिया जाए, वो क्या बन जाएगा आपका, टेबल जॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया था, कौन सा जॉइंट है, तो ये आपका टेबल जॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रिक। अब ये जो ब्रिक आपको दिखाई गई है उसका नाम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके काफी आने वाले हैं, फोटोस को आपको दिखा के पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या है, ठीक है, या फिर जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है। तो इस तरह काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो इस जो ब्रिक है उसका नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास, किंग क्लोजर, पेवल बेड, क्वीन क्लोजर या मेटर्ड क्लोजर। तो 10 सेकंड आपके पास, लाइव चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। जिसका राइट आंसर आएगा वो आएगा किंग क्लोजर, ठीक है। ये जो ब्रिक है वो कौन सी है, किंग क्लोजर है, ठीक है। इसके लेंथ और ब्रेथ से दोनों के हाफ से जब उसको चीज को डिवाइड कर दिया जाए, आपके ब्रिक को डिवाइड कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है आपका, किंग क्लोजर बन जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉल. अब ये जो फोटो आपको दिखाई गई है उसका नाम क्या है. ऑप्शंस आपके पास, स्टोन फेसिंग विद बैकिंग, स्टोन फेसिंग विद रबल बैकिंग, ब्रिक फेसिंग विद कंक्रीट बैकिंग, और फेसिंग ऑफ ब्रिक वर्क एंड बेकिंग ऑफ एस्लर मेसनरी. तो आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सी ये वॉल. ठीक है, तो आपने देखने से यहाँ पता चल रहा है कि कौन सी हो सकती है. तो लाइव चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए. ओके, तो जिसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्टोन फेसिंग विद रबल बेकिंग. ठीक है, स्टोन फेसिंग, ये जो फेसिंग है ये आपकी कौन सी हो गई, स्टोन फेसिंग हो गई, और ये जो आपकी बैक में जो हिस्सा है वो कौन सा है, रबल बेकिंग. ठीक है, तो यहाँ पे किसको भरा गया, किसको फिल किया गया, रबल को यहाँ पे फिल किया गया है. तो ये क्या बन जाएगी आपकी, स्टोन फेसिंग विद रबल बेकिंग. ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज फॉर सेटिंग एंगल इन ब्रिक मेसनरी. अब आपसे पूछा गया कि वो उस टूल का नाम क्या है कि जो ब्रिक मशीनरी में एंगल्स को सेट करने के लिए यूज किया जाता है. तो ऑप्शंस आपके पास, बेवल, प्लंब रूल, मैसन स्क्वायर या 1 मीटर यू फोल्डेड रूल. तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, लाइव चैट बॉक्स में आंसर कीजिए. तो जो इसका राइट आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू योर भारत स्केल क्वेश्चन बैंक वो आ जाएगा बेवल. ठीक है, या फिर इसके रिप्लेसमेंट में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है. ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 73A, विच रिगिड बॉडी इज नोन एज प्रेस्ड बॉल. अब आपसे पूछा गया है कौन सा रिगिड क्या होता है, सख्त. ठीक है, विच रिगिड बॉडी इज नोन एज ए प्रेस्ड बॉल, की प्रेस्ड बॉल की तरह भी जाना जाता है. ऑप्शंस आपके पास, प्लाईवुड बोर्ड, कंप्रेक्ट बोर्ड, फाइबर बोर्ड या लैमिनेटेड बोर्ड. तो आपको बताना है कि प्रेस बोर्ड कौन सा होता है. ठीक है, ये सारे कौन से हैं, रिगिड बोर्ड है, और इनमें से किसको प्रेस बोर्ड के नाम से जाना जाता है. ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, अब आप मुझे लाइव चैट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए. ओके, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपका यहाँ फाइबर बोर्ड आ जाएगा. ठीक है, फाइबर बोर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रेस बोर्ड भी कहते हैं. सो इसका राइट आंसर फाइबर बोर्ड यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 74, विच सरफेसेस आर रेकमेंडेड विद सीमेंट पेंट, इमल्सन पेंट, ऑयल पेंट एंड सिल्वर रेड पेंट. तो कौन सी जो सरफेसेस है वो रेकमेंड की जाती है किससे, सीमेंट पेंट से, एमल्सन पेंट से, ऑयल पेंट से और सिल्वर रेड पेंट से. तो ऑप्शंस आपके पास, आयरन सरफेस, प्लास्टर सरफेस, वुड सरफेस या मेटल सरफेस. तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, लाइव चैट बॉक्स में आंसर कीजिए. सो जिसका राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा प्लास्टर सरफेस. ठीक है, कि प्लास्टर सरफेस पे हम क्या करते हैं, सीमेंट पेंट या इमल्सन पेंट या ऑयल पेंट, इन सब का यूज करते हैं. तो ये सिंपल इसका राइट आंसर आ जाएगा, प्लास्टर सरफेस. ठीक है, प्लास्टर सरफेस कौन सी होती है, जिससे हम सीमेंट से प्लास्टरिंग करते हैं ईंटों के ऊपर. ठीक है, ये याद रखना है, प्लास्टर सरफेस कौन सी होती है जिसपे हम ईंटों के ऊपर सीमेंट से प्लास्टरिंग करते हैं. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर कवरिंग और किलिंग ऑफ ऑल नॉट्स इन वुड सरफेस बाय रेड लेड. अब जो रेड लेड है उसका यूज करके जो आपकी वुड के अंदर जितने भी नॉट्स हैं उनको निकालने के लिए, उनको किल करने के लिए जो टर्म यूज की जाती है उसको क्या कहते हैं. ठीक है, ऑप्शंस आपके पास, फिनिशिंग, नॉटिंग, स्टॉपिंग और क्लीनिंग. तो चारों ऑप्शन मैंने बता दिए, अब राइट आंसर आप मुझे लाइव चैट बॉक्स में आंसर कीजिए. ओके, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, नोटिंग आएगा. ठीक है, वो टर्म कौन सी होती है जिससे हम जो अपने जितने भी नोट है, ठीक है, उनको किल करने के लिए रेड लाइट के द्वारा यूज किया जाता है, वो टर्म होती है आपकी नोटिंग.
ठीक है। अब ये जो नोट्स होते हैं बोर्ड के अंदर, इनको निकालने के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, नोटिंग का हम यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 76। विच मेटल कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड टिन। अब आपसे पूछा गया कौन सा मेटल है जो कॉपर और टिन से मिलके बना होता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हो तो, ऑप्शंस आपके पास ब्रॉन्ज, ब्रास, डाउ मेटल और निकल सिल्वर। 10 सेकंड है आपके पास, लाइव चैट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। तो कौन सा ऐसा मेटल है जो कॉपर और टिन से मिलके बना होता है, वो होता है ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज किससे मिलके बना होता है, आपके कॉपर और टिन से, ये आपने याद रखना है। अगर आपको नहीं पता है कि कॉपर और टिन से मिलके कौन सा मेटल बना होता है तो नोट कर लीजिए वो कौन सा होता है, ब्रॉन्ज होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रॉन्ज के अंदर कौन कौन से कंसिस्ट होते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉपर और टिन, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि जो ब्रॉन्ज है वो किससे बनके मिला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आ सकते हैं कॉपर एंड टिन, तो आपको यही सिलेक्ट करना है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन घुमा फिर आके आपसे पूछा जा सकता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये जो पार्ट आपको दिखाया गया है, ये जो हिस्सा आपको दिखाया गया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका हम, इसका क्या नाम है, इसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास कोपिंग, पैरापेट, थ्रोटिंग या डीपीसी। सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है इसको हम क्या कहते हैं, तो 10 सेकंड आपके पास, लाइव चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। सो जिसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, कोपिंग आएगा। ठीक है, वॉल्स के ऊपर सबसे टॉप में क्या लगा दी जाती है, कोपिंग कर दी जाती है। ठीक है, ताकि जो बारिश का पानी वगैरह होता है वो डायरेक्ट किस में ना जाए, दीवार के अंदर ना जाए और सीलन पैदा ना हो, इसलिए हम कोपिंग का यूज करते हैं। ठीक है, सबको पता है हम क्या करते हैं, जो सबसे ऊपर वाली वॉल होती है उस पर क्या करते हैं, कोपिंग लगा दी जाती है, ताकि जो बारिश का पानी है जो वो क्या, दीवारों में ना जाए और सीलन पैदा ना हो। ठीक है, अगर कोई कोपिंग नहीं करता है अपनी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के टाइम अगर कोपिंग नहीं की जाती है तो सबसे बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है, अंडर वाटर पानी हो सकता है कि डीपीसी और सॉरी जो आपकी डैम्पनेस है उसका कारण हो, लेकिन ये भी एक दूसरा कारण हो सकता है आपका सीलन का, आपके मकान के अंदर, आपकी बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, तो कोपिंग करना भी बेहद जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रिक। अब ये जो ब्रिक आपको दिखाई गई है इसका क्या नाम है। ठीक है, अब ये जो छेद दिख रहे हैं ब्रिक के अंदर, सिंपल सा है, सबको पता चल गया होगा अब तक क्या होगा। तो ऑप्शंस आपके पास सेलुलर क्ले ब्रिक, होलो क्ले ब्रिक, होलो कंक्रीट ब्रिक या परफोरेटेड ब्रिक। तो 10 सेकंड है आपके पास, लाइव चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। ओके, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, परफोरेटेड ब्रिक। अब इस तरह की ब्रिक कहाँ यूज की जाती है, इस तरह की ब्रिक ऐसी जगह पे यूज की जाती है जहाँ पे बहुत ज्यादा वजन वहन ना करना पड़े उसे। ठीक है, जो दीवार बनाई जाती है उसको बहुत ज्यादा वजन वहन ना करना पड़े, बहुत ज्यादा वेट कंज्यूम ना करना पड़े, ऐसी जगह पे यूज किया जाता है। तो आप इसको ऐसी जगह यूज कर सकते, जैसे आपको ये यहाँ फोटो में देख पा रहे हो कि कुछ डिजाइन बनाने के लिए, आपने देखा हो ना जो पुरानी स्कूल की बिल्डिंग्स हो गई उनके अंदर भी ऐसा बना होता है। ठीक है, तो वहां पे परफोरेटेड ब्रिक्स का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 79। विच इज द मार्केट फॉर्म ऑफ टिम्बर विद पैरेलल साइड्स हैविंग थिकनेस लेस देन 50 mm एंड इट्स विड्थ एक्सीड 50 mm। अब मार्केट फॉर्म होती है टिम्बर की, ठीक है, टिम्बर की मार्केट फॉर्म होती है जो पैरेलल होती है दोनों साइड से, जिसकी थिकनेस क्या होती है, लेस देन 50 mm, यानी कि 5 सेंटीमीटर से भी कम उसकी थिकनेस होती है, और जो उसकी विड्थ होती है वो एक्सीड करती है किसको, 50 mm से, यानी कि जो उसकी विड्थ होती है वो क्या होती है, 50 mm से, यानी कि 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। थिकनेस 50 mm से कम होती है और जो आपकी विड्थ है वो 50 mm से, 50 mm से ज्यादा होती है। तो कौन सी होती है वो, ऑप्शंस आपके पास प्लैंक, पोल, डील और बल्क। आपको चार ऑप्शन मैंने बता दी है, अब आपने मुझे इसका राइट आंसर बताना है लाइव चैट बॉक्स के अंदर।
ओके, जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लैंक। आपने वुडन प्लैंक देखे होंगे, जो इनकी थिकनेस होती है वो क्या होती है, आपकी 50 mm से भी कम होती है, और जो विड्थ होती है वो 50 mm से ज्यादा होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर प्रेजेंटली इन फ्रेशली फेल्ड टिम्बर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, तो आपसे पूछा गया कि जो टिम्बर होते हैं फ्रेशली फेल्ड, मतलब जो जैसे पेड़ वगैरह गिर जाते हैं ना, ताजा ताजा गिरी हुई मान लो लकड़ी है, उसमें क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है उसको रिमूव करने के लिए, उसको निकालने के लिए, उस जो गीलापन है उसको निकालने के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज किया जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ऑप्शंस आपके पास हार्डनिंग, स्टीफिंग, सैपिंग और सीजनिंग। 10 सेकंड है आपके पास, लाइव चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। सो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सीजनिंग आएगा। अगर मान लो किसी भी लकड़ी के अंदर, किसी भी टिम्बर के अंदर अगर आपको गीलापन है, ठीक है, उसको निकालने के लिए क्या यूज किया जाता है, सीजनिंग की जाती है। ठीक है, जो उसकी क्या की जाती है, जो मॉइस्चर है उसको निकालने के लिए, जो गीलापन होता है लकड़ी के अंदर उसको निकालने के लिए, उसको खत्म करने के लिए सीजनिंग का यूज किया जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीजनिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ लकड़ियों को रख दिया जाता है और उसमें से जो उसका मॉइस्चर है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीजनिंग कहते हैं। सो आंसर की मैंने यहाँ पे अटैच कर दी, आप सारे आंसर्स देख सकते हो। और ये जो पीपीटी है वो आपको हमारे स्किल बुक के व्हाट्सएप ग्रुप, जो स्पेशली डीएमसी ट्रेड के लिए बना हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह के वीडियोज के लिए, इसी तरह के सेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्किल बुक को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।